Good morning, dear students. I hope you must be fine. Today we will talk about past continuous tense. Past continuous tense shows that the action was incomplete in the past and was going on at that time. Past continuous means कोई भी काम past में जारी था, हो रहा था, चल रहा था. हिंदी में कुछ इस प्रकार की फीलिंग आती है, रहा था, रही थी, रहे थे. यूज ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, आइए देखते हैं दोस्तों ये कहाँ पर यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट वॉज बींग डन इन द पास्ट. ये बताता है हमें कि कोई भी काम पास्ट में जारी था. एग्जाम्पल के तौर पर, माई फ्रेंड वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. मेरा फ्रेंड एक न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था. ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग. द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास. ये देखो सारी बातें पास्ट की हो रही हैं. कब की? कल की हो सकती हैं, एक घंटे पहले की हो सकती हैं. मीन्स जो भी पास्ट में काम जारी था उसके लिए. ओके, नंबर थर्ड पर आते हैं. द लायन वॉज रोरिंग इन द फॉरेस्ट. शेर जो है दहाड़ मार रहा था. वी वर प्लेइंग विद आर फ्रेंड्स. हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे. अब इन चारों सेंटेंसेस में टाइम नहीं दिया गया. टाइम फ्रेज इज नॉट गिवन. फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहाँ पर चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग. अब देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है इसमें, ये मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग. शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स लॉन्ग अगो. वो बहुत देर तक गा रही थी. अब इन दोनों सेंटेंसेस में टाइम दिया गया है. नंबर सेकेंड पॉइंट आता है. इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस वैन एन अनदर एक्शन टुक प्लेस. ये वहाँ पर भी शो करता है, यानी कि ये डिनोट करता है कोई एक्शन चल रहा था कब, जब दूसरा एक्शन ख़त्म हुआ या हो चुका. जैसे आई वॉज रनिंग वैन द बॉय फेल डाउन. अभी देखिए यहाँ दो काम हुए, कौन सा? मैं दौड़ रहा था और बच्चा गिरा. तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों में दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों में अलग अलग वर्ब हैं. एक वर्ब में आई एन जी आया है, एज यू कैन सी हियर. यहाँ पर वर्ब में आई एन जी आ गया, ये तो हो गया पास्ट का. और पास्ट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस. और ये फेल, ये भी पास्ट का है लेकिन ये है सिंपल पास्ट. ओके, द ट्रैफिक पुलिस स्टॉप्ड मी. अब यहाँ पर भी देखिए दो काम हुए हैं. द ट्रैफिक पुलिस स्टॉप्ड मी, ये सिंपल पास्ट हो गया. व्हेन आई वॉज ड्राइविंग रैशली, जब मैं तेज चला रहा था, तो यहाँ पर आई एन जी लग गया. आई वॉज लुकिंग एट द स्टार्स व्हेन द स्पेसशिप अपीयर्ड सडनली. मैं जब स्पेसशिप वहाँ से गुजरा. आप देखिए यहाँ पर भी दो काम हुए हैं. उसने क्या देखा? उसने स्पेसशिप देखा जो उसको नज़र आया. कब? जब वो सितारे देख रहा था, काम जारी था. तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. आइए इसका फार्मूला समझते हैं, हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की, एज यू कैन सी हियर, तो सबसे पहले आता है दोस्तों सब्जेक्ट. उसके बाद आता है, सब्जेक्ट पता है आपको, मैंने बताया था आई यू वी ही शी इट दे, ये सारे होते हैं आपके सब्जेक्ट. ओके, उसके बाद आता है वॉज या वर. आई और ही और शी एंड इट. आई रिपीट, आई ही शी इट. इन चारों के साथ आता है वॉज. इन चारों के साथ आता है ये वॉज. और यू वी दे के साथ आता है आपका वर. ओके, यू वी दे. आई रिपीट, अगर हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की तो वहाँ पर आता है वॉज पास्ट के लिए. अगर हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तो वहाँ पर आता है वर्ब. उसके बाद जो वर्ब होती है उसमें लग जाता है आई एन जी, एज यू कैन सी हियर. उसके बाद आते हैं दोस्तों अदर वर्ड्स. ये सो आइए कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी यहाँ बने हुए हैं, देख लेते हैं इनको. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. यू वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. He was preparing for his examination. आप चाहें तो इसमें my भी लगा सकते हैं, कि जैसे यहाँ लगा हुआ है देखो, I was preparing for my examination. You, we were preparing for our, यहाँ our आ गया. और he was preparing for his examination. She was preparing for her examination. They were preparing for their examination. ये subjective pronoun है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने कहा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया हुआ आप लोगों के लिए, जो मैंने अभी बताया आपको कि वॉज कहाँ यूज़ होता है. वाइज यूज़ होता है आई ही शी. देखिए मैंने बताया था आई
ही शी इट के लिए, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लोग सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, दिस या दैट हो सकता है, सिंगुलर नाउन कोई भी हो सकता है, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग जाता है। वर इज यूज्ड विद यू, वी, दे या फिर किसी प्लुरल नाउन के साथ, जैसे दिस का यहाँ दिस कर सकते हैं हम लोग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं, आपके लिए एक एक्सरसाइज है बहुत अच्छी सी, यहाँ पर छोटी सी, देर आर टू एक्सरसाइजेज आई गेस एक साथ, इसलिए हम लोग इनके करते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए आप करें, अगर आपसे नहीं होती है फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, पहली वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ई, एज यू कैन सी हियर दिस वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज एंड और वर। इसमें वॉज और वर आएंगे क्योंकि आई एन जी सभी में लगी हुई है ऑलरेडी, आसान है। ओके, नंबर बी एक्सरसाइज को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ब्स दी गई हैं, देखो इन वर्ब्स को यहाँ पर हमें रखना है, ध्यान रखिएगा सभी में आई एन जी आएगा, आई रिपीट सभी में आई एन जी आएगा, और चूँकि पास्ट की बात हो रही है तो वॉज वर्ब भी आएगा, तो पहले वॉज वर्ब आएगा उसके बाद वर्ब में आई एन जी आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ फिर, ओके 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलूँगा, आप लोग इसको कीजिए। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूँगा। ऑल द बेस्ट। यस डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने किया होगा एक्सरसाइज। चलिए देख लेते हैं, मेरे आंसर से अपने आंसर मिलाइए। देखिए यहाँ पर हम, चूँकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं तो आई की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई, तो यहाँ आएगा दोस्तों वॉज, यहाँ पर आप वॉज लिखिए। ओके, यू यहाँ पर आएगा दोस्तों, यू के साथ क्या आता है वर, क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट है। द टीचर, अब टीचर यहाँ क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ आएगा वॉज, द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास। द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन क्या है प्लुरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ आएगा दोस्तों वर, द चिल्ड्रन वर स्टडिंग इन द रूम व्हेन समवन रैंग द बेल। ओके, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब ये नाउन फ्रेज है सिंगुलर है, तो यहाँ पर आएगा वॉज, द कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज गेटिंग हायर एंड हायर। ओके, आई सब्जेक्ट यहाँ है आई, तो आई के साथ क्या आएगा, यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पर वॉज, आई वॉज ईटिंग सी फूड एट अ बीच कैफे। ओके, वी सब्जेक्ट कौन सा है प्लुरल है, तो यहाँ पर वर आएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा वर, वी वर ट्रैवलिंग इन अ टॉय ट्रेन। टीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा वॉज, टीना वॉज कुकिंग डिलीशियस करी। राहुल, रोशन, रोशन एंड राहुल, अब देखो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं रोशन एंड राहुल, यानी कि प्लुरल, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा वर, रोशन एंड राहुल वर वर्किंग इन द सेम कंपनी। ओके, यू कौन सा होता है दोस्तों, यू सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है, लेकिन यू के साथ जब हम बात करते हैं वर्ब की तो हमेशा और हमेशा प्लुरल आती है, तो यहाँ पर वर आएगा। यू वर लुकिंग बिजी, यू आर लुकिंग वेरी बिजी ऑन फ्राइडे। ओके, तो ये हो गया हमारा, नाउ लेट्स डू वन थिंग, ये वाली एक्सरसाइज भी आपने की होगी, चलिए मैं इसके भी आपको आंसर दे देता हूँ। चलिए मेरे आंसर से अपने आंसर्स मिलाइएगा, ठीक है, इससे पहले वाले भी एक्सरसाइज आप लोगों ने की होगी, आइए देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपने एक्सरसाइज कर ली होगी। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये भी गो, देखो यहाँ पर दोस्तों आएगा वॉज, क्यों आएगा वॉज, क्योंकि यहाँ पर आए सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ यू प्लुरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर आएगा दोस्तों वर, यू वर सिटिंग इन द क्लास। ओके, द चिल्ड्रन वर स्टडिंग, यहाँ पर आएगा वर, अच्छा द टीचर सिंगुलर है, तो यहाँ भी वॉज आएगा। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पर भी वॉज आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन फ्रेज है ये, आई के साथ भी वॉज आता है, तो यहाँ आएगा आई वॉज ईटिंग सी फूड एट द बीच कैफे। वी, वी क्या है सिंगुलर है या प्लुरल है, प्लुरल है, तो यहाँ दोस्तों वर आएगा, वी वर ट्रैवलिंग इन अ टॉय ट्रेन। टीना सिंगुलर है, तो यहाँ दोस्तों वॉज आएगा, टीना वॉज कुकिंग डिलीशियस फूड। रोशन एंड राहुल दो हैं यहाँ पर, यानी कि प्लुरल है, तो यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ बनेगा आपका वर,
यू के साथ भी यहाँ वर आएगा क्योंकि प्लुरल है. यू आर लुकिंग वेरी बिजी. आई होप यू अंडरस्टैंड. आइए ऊपर वाले सेंटेंस देखते हैं, नीचे वाले. हियर वी गो. देखो यहाँ क्या करना है आपको. चलो यहाँ भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. हैवीली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, ये रेन. इट वॉज रेनिंग हैवीली. यहाँ पर हम आई एन जी लगा देंगे इसमें, और इट वॉज रेनिंग हैवीली. यहाँ वॉज आएगा क्यों, क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है. इट वॉज रेनिंग हैवीली इन द मॉर्निंग. सम चिल्ड्रन वर्ब, अब आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं. चिल्ड्रन के साथ तो वर ही आएगा, ये तो पक्का है. अब कौन सी वर्ब लगाएंगे आप यहाँ पर, तो देख लेते हैं. चलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं वीप. यहाँ पर हम लगा देंगे ये वीप. चिल्ड्रन वर वीपिंग आउटसाइड. ओके. असिम, असिम. ओके, कार की बात हो रही तो यहाँ आएगा दोस्तों ड्राइव. असिम वॉज ड्राइविंग द कार स्लोली. ओके. द फार्मर्स, अब चूंकि फार्मर्स क्या हैं होते हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये हो गया हमारा माय फ्रेंड, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, यहाँ पर वॉज आएगा. और उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे बस स्टॉप पर वो वेट कर रहा था, तो वेट लगा देते हैं यहाँ पर. माय फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टैंड. ओके. फार्मर्स की बात करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं दोस्तों, वो प्लो करते हैं, तो यहाँ पर हम प्लोइंग कर देंगे. और फार्मर्स की बात हो रही है तो यहाँ वर आएगा, वर प्लोइंग इन द फील्ड. ओके. द पोस्टमैन का काम करता है, वो डिलीवर करता है लेटर्स को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीवर. ओके. डिलीवर, द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स. यहाँ पर वॉज, वॉज क्यों आएगा, क्योंकि पोस्टमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है. यहाँ आ जाएगा डिलीवरिंग. ओके. द फोन, द फोन, द फोन, द फोन. यहाँ आ जाएगा दोस्तों रिंग. द फोन वॉज, चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ वॉज आएगा, यहाँ आ जाएगा रिंगिंग अगेन एंड अगेन. द फोन वॉज रिंगिंग अगेन एंड अगेन. ओके. माय डैड, क्या बचा, न्यूज़पेपर. ओके. यहाँ आ जाएगा दोस्तों रीड. माय डैड वॉज, यहाँ वॉज आएगा क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है. और यहाँ आ जाएगा रीडिंग, रीड में लग जाएगा आई एन जी. माई डैड वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर. ओके. तनु सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ वॉज आएगा. ओके. ओके. स्कूल, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों गो. तनु वॉज गोइंग टू स्कूल विद हर मॉम. ओके. बच्चा कौन सा, एक बच्चा है, इजी है, ब्रश. इसको हम यहाँ लगा देंगे वी के साथ. क्या आएगा यहाँ, वर. क्यों, क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट है. और यहाँ लगा देंगे ब्रशिंग आवर टीथ. आई होप यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स. उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. आपको क्या करना है, वन मोर एक्सरसाइज इज देयर. ये एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये आप या तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे. नीचे यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ वर्ब्स दी गई हैं, जैसे स्टॉप, स्टॉप्ड हो गया, ड्राइविंग. तो इस तरह से आप बनाएंगे. ओके. सो आप खुद कीजिएगा सेंटेंस इन एक्सरसाइजेस को. मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.